नमस्कार, डेली टाइम न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम बायोग्राफी इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मीरा कुमार की। मीरा कुमार इन दिनों राष्ट्रपति पद को लेकर चर्चाओं में हैं। विपक्ष की तरफ से लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है। मीरा कुमार 5 बार की लोकसभा सांसद रही हैं। मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा स्पीकर भी रही हैं। मीरा कुमार दलित समुदाय से हैं और वह पूर्व प्रधानमंत्री जगजीवन राम की सुपुत्री भी हैं। मीरा कुमार 1973 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुई। वह कई देशों में नियुक्त रहीं और बेहतर प्रशासक साबित हुईं। बिहार के सासाराम जिले की मीरा कुमार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से हैं। वे 15वीं लोकसभा में बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती रही हैं। वह लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में 3 जून 2009 को निर्विरोध चुनी गईं। भारतीय राजनीति में मीरा कुमार पहली बार 1985 में बिजनौर से संसद में चुनकर आईं। 1990 में वह कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी समिति की सदस्य और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महासचिव चुनी गईं। 1996 में वह दूसरी बार सांसद बनी। 2004 में बिहार के सासाराम से लोकसभा सीट जीती। 2004 में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस सरकार में उन्हें सामाजिक न्याय मंत्रालय में मंत्री बनाया गया। इस बार वे 5वीं बार संसद के लिए चुनी गईं। मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर हैं। बाला योगी के बाद वे दूसरी दलित नेता हैं जो इस पद तक पहुंचे।